आजादी की जद्दोजहद का वो मंजर के जब पाकिस्तान की जमीन कई लाख मुसलमानों के लहू से पाक करके हासिल की जाती है। पाकिस्तान की इस तारीख को मैंने और आप अपने खून के कतरों से लिखा है। न जाने कितने शहीद ने अपना खून निछावर करके इस वतन को हासिल किया। कई माँ ने अपनी आंखों के जाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने आशा के सारे दे दिए जिसको। रफी खान में जिसे जिंदा है पाकिस्तान में जिंदा था और आज भी जिंदा है। सैयद अली वकार उसी तरह 1965 की जंग में इस वतन के जाले ने अमन सलामती के अजम को लेकर दुश्मन के जंग को हाथ में मिला दिया। और कभी एम ए वालन जैसे जानबाज के शुरू में जिसने एक मिनट में दुश्मनों के पांच चरण को गिरा कर इन पर खौफ लर्जा तारी कर दिया। और कभी मेजर भट्टी शुरू में जिसने अपने सिर पर बम बांध कर बग के अलग कर दिया, चाहे मेरे दुश्मन के टुकड़े टुकड़े हो जाए मगर मैं अपने दुश्मनों को मदद छिखा कर रहूँगा। सैयद अली वकार उसी तरह 1965 की जंग में हमारे दुश्मनों ने बार फिर फहर से कही थी कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे। सलाम हमारे वतन के जानबाज पाइयों पर जिन्होंने नाश्ता किया, ऐसा लंच कराया कि जिंदगी भर इस लंच को भूल ही ना पाएंगे। सैयद अली वकार मैं सलाम पेश करती हूँ अपने वतन के जानबाज पाइयों पर जो अल्लाह हुआ का नारा लगाते हुए अपनी सरदों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि शहीद की जम्मू से हुकाम की हयात है लहू है जो शहीद का हुकाम की जगह है। शुक्रिया।